हाय हाय गाइस, गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट एक भारतीय को बनता देख पूरे पाकिस्तान के कानों से निकली आग। अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन, ये क्या बोल रहे हो भैया? मुझे तो टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। मैंने तो सीधी सी बात है, टाइटल पढ़ा है मेरा, क्या बोल रहे हो? मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन। सारे पास है इंडियन और यार ये तो यूके का भी है और मुल्कों का भी है। अभी अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, उसका भी क्या बोल रहे। लेकिन अभी वॉच करते कौन ऑन करते स्टार्ट। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है। विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। है? जो ये कहते होंगे कि हार्वर्ड में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमें हमें से विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा होना। पहले मैं कहता रहा हमारे अजय बंगाल क्यों नहीं पैदा होता। और आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम। और ये एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट। फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन डिसेंट और प्रैक्टिसिंग हिंदू, हिंदू फैमिलीज है। अब ये देखे हम कहां मुल्क पर कर्जों का हजम इस वक्त 77,104 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी किए हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर इस एक मूवी ने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया हिंदुस्तान के अंदर। दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं आपके सामने जो टाइम मैगजीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फीचर किया है और वो है विवेक रामास्वामी। स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के साथ मिलकर 20 भारतीय यूनिवर्सिटीज का उनको उन्होंने पिक कर लिया है जो अमेरिकन स्कूलों के साथ अपना कोलैबोरेशन करेंगे। अब नरेंद्र मोदी को देखें, किस तरह उसने एक प्राइम मिनिस्टर आके जो है किस तरह उसने इंडिया का सिक्का बनवाया। और मैं आरजू आल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दद नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। इंडियन ओरिजिन यानी के वो हिंदू भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप पे देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इंडियन ओरिजिन विवेक रामास्वामी अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं और वह इस रेस में सबसे आगे हैं। सनी देओल की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गदर 2 ने वाकई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया हुआ है। मूवी को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी के साथ गदर 2 हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड भी बना रही है। मूवी अपने ओपनिंग डे से ही शानदार कलेक्शन कर रही है और रिलीज के 7वें दिन बाद भी सिलसिला थमा नहीं है। चलिए यहाँ पर जानते हैं कि गदर 2 ने अपनी रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितने करोड़ का कलेक्शन किया। गदर 2 देश भर के सिनेमाघरों में तूफान बनी हुई है और इसने रिलीज के सिर्फ 7 दिनों के अंदर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी कर ली है और इसी के साथ ही यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल हो गई है। आपको यहां बता दें कि गदर 2 पहले ही पठान के बाद साल 2023 की दूसरी सबसे ज्यादा घरेलू कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। सवाल ये है कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर ज्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। विवेक रामास्वामी पे मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया था जिस वक्त बहुत कम लोग बात कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि मुझे ये एक ऐसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट नजर आए हैं जो इससे पहले भी एक मर्तबा ऐसा ही एक आ चुका है
और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा था कि जब मैगजीन टाइम मैगजीन में उनका इंटरव्यू पहली बार आया था कि ये प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हैं ओबामा, तो उनका इंटरव्यू देखकर मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन देखकर मुझे लगा था कि ये बंदा इतना शाइनिंग है, इतना ब्राइट है, और जिस तरीके से उस इंटरव्यू में उनको पोर्ट्रे किया गया था तो मुझे लगा कि ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और वो बन गए। वो इसलिए नहीं बने कि मुझे लगा था, वो इसलिए बने कि सबको ऐसे ही लग रहा था। तो क्या विवेक रामास्वामी के साथ भी यही होने वाला है? इसकी वजह ही है कि जो एलोन मस्क है उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है, लेकिन उनकी एक और ट्वीट भी वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो टाइम मैगजीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फीचर किया है। अच्छा। और वो है विवेक रामास्वामी, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे टाइम मैगजीन ने एक फीचर किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा पर, और इसमें उन्होंने कहा है इज एनीवन हैविंग मोर फन रनिंग फॉर प्रेसिडेंट देन विवेक रामास्वामी, कि क्या इनसे ज्यादा कोई इस वक्त मजे में है या इससे ज्यादा कोई दिलचस्प सूरत हाल में है एक यंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि विवेक रामास्वामी जो है वो 38 इयर्स के हैं और इनको रिपब्लिकन्स का दी यंगेस्ट कैंडिडेट कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि साथ में आप अपनी कैंपेन भी चला रहे हो, साथ में आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो, और साथ में आप कुछ ऐसे यानी जिसे कहते हैं कि आप भलाई के काम भी करते हुए नजर आ रहे हो, तो विवेक रामास्वामी में वो तमाम जो क्वालिटीज हैं वो टाइम मैगजीन को नजर आ रही हैं। ओए 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 भाई साहब ये क्या देखने को मिल रहा है? ओए यार विवेक रामास्वामी जी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट, ये केयर टेकर की बात हो रही है? पक्के पक्के की ये प्लीज कमेंट में बताइए, क्योंकि केयर टेकर थोड़ा इलेक्शन से पहले जो वो बनते हैं 4-5 महीने के लिए एक वो होते हैं और एक भाई पक्के पक्के, लेकिन बाबा 5-6 महीने बाद इलेक्शन भी होने वाले अमेरिका में ना, हाँ प्रेसिडेंट। और भाई आप खुद सोचो इंडियन इंडियन विवेक रामास्वामी जी का नाम टॉप लिस्ट एलन मस्क तक ये बात बोली तो समझो आधे से ज्यादा अमेरिका इस बंदे का हो गया। देखो वाइस प्रेसिडेंट भाई अमेरिका की भारतीय और अब प्रेसिडेंट यानी अब भारत राज करेगा अमेरिका में भी, ये देख अमेरिका की धरती पर भी भाई भारत राज करेगा यार। पूरा इंडियन है, हिंदू मजहब से ताला रखता है, इंडियन प्योर इंडियन, माँ बाप इसके प्योर इंडियन, इंडिया से इंडिया के ही आते जाते रहते हैं, भी जवान आदमी है, भी 38 साल का एज है यार, अपना बिजनेस चला रहा है, साथ वेलफेयर के काम कर रहा है, साथ प्रेसिडेंट की रेस में भी शामिल हो गया। और भाई सबसे अमेरिका का सबसे ब्राइट कैंडिडेट माना जा रहा है, देख ना सारा अमेरिका में अखबारों में मैगजीनों में छप रहा है कि ये कैंडिडेट है। और भाई साहब पूरे अमेरिका में इस भारतीय विवेक रामास्वामी जी की मजबूर मैं कहता हूँ चक द फट्टे कर दिया यार, तो आपके क्या थॉट है?